जी फरमाइए। वो कहना ये था कि आप माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही हैं। काश मैं भी आपके बारे में ऐसे ही कुछ कह सकती। तो कोई बात, आप भी मेरी तरह झूठी तारीफ कर देती। सूरज की जोड़ी लग रही है, मैं तो कहती हूँ दूसरी को भी बहू बना के ले आओ। अम्मी जी अपने मशवरे आप अपने पास ही रखें, इस लड़के का दिमाग तो मैं घर जाके दुरुस्त करूंगी। चची जान, हाँ आपकी बहू के खानदान वाले तो कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है, बल्कि मैंने दो तीन औरतें देखी जिन्होंने बहुत ही भारी जेवर और जोड़े तो उफ बहुत ही महंगे पहने हुए। तो हमें क्या, कौन सा ट्रक भर के हमें जहेज दे दिया, ना बंगला ना गाड़ी, एक नंबर के कंगले और फकीर लोग हैं कंजूस कहीं के। अकबर का है, वैसे कसम से अकबर के ससुर ने उसको नौकर बना के रखा हुआ है, कभी एक काम के लिए दौड़ा रहे हैं कभी दूसरे काम के लिए दौड़ा रहे हैं और बेचारा मना भी नहीं कर पा रहा। देख लो, दो टके की इज्जत है इसकी ससुराल में, लेकिन नहीं मेरा बच्चा तो उफ तक नहीं करता है। इतना अच्छा और फर्मा बरदार दामाद मिलेगा इन्हें हरगिज़ नहीं। सलमा बाजी रुके, मैं इनसे मिलकर आ रही। ठीक है अकबर, अकबर। हाँ आ रहा हूँ। अरे वो सामने वाली टेबल सही कर दो ना। हाँ क्या हुआ, कैसी लग रही है? बिल्कुल शहजादी लग रही हो आप भी, बिल्कुल शहजादे लग रहे हैं। हाँ चले, किसी खुशी में हम सेल्फी बनाते हैं। हाँ आ जाओ, लो मुझे दो ना, मेरा हाथ लंबा है। ओके थोड़ा सा मुस्कुरा दें। अरे फॉ, देखा हम साथ में कितने प्यारी लगते हैं।